नमस्कार। हमारा कक्षा 10 का जल संसाधन टॉपिक चल रहा था। हमने पिछले क्लास में राजस्थान से जुड़ी हुई चार जल परियोजनाओं के बारे में जाना था। पहली थी हमारी चंबल घाटी परियोजना, दूसरी थी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तीसरी थी हमारी माही बजाज सागर और चौथी थी बिसलपुर परियोजना। आज कुछ हमारी अन्य परियोजनाएँ हैं जो राजस्थान से जुड़ी हुई हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहली है हमारी जाखम परियोजना। पहली हमारी जाखम परियोजना है, तो सबसे पहले तो यह जाखम नदी पे ही बनी हुई है और इस नदी को लाने का इस परियोजना को लाने का उद्देश्य क्या था? जो चित्तौड़गढ़ और उदयपुर तथा प्रतापगढ़ का आदिवासी क्षेत्र है, उस आदिवासी क्षेत्र के विकास करने के लिए, सिंचाई के लिए यह परियोजना लाई गई। और अनूपपुरा नामक स्थान पर, अनूपपुरा नामक स्थान है, उसके ऊपर जाखम बांध बनाया गया। तो सबसे पहले तो जो जाखम परियोजना है वह जाखम नदी के ऊपर ही स्थित है और जो चित्तौड़गढ़ और उदयपुर तथा प्रतापगढ़ का आदिवासी क्षेत्र है उसमें सिंचाई के लिए उस क्षेत्र का विकास करने के लिए अनूपपुरा नामक स्थान पर जाखम बांध का निर्माण किया गया। इससे 13 किलोमीटर आगे चल के या 13 किलोमीटर दूर स्थित नागरिया नामक स्थान के ऊपर एक अन्य बांध बनाया गया है जिससे नहर प्रणाली का विकास किया गया है। नागरिया नामक गांव है। इस नागरिया गांव के ऊपर एक बांध निर्मित किया गया और इस बांध से नहरें निकालकर नहरी प्रणाली का विकास किया गया है। तो यह हमारी जाखम परियोजना हो गई। एक बार फिर से संपूर्ण को देख लेते हैं। जाखम परियोजना जाखम नदी के ऊपर स्थित है और चित्तौड़गढ़ तथा उदयपुर व प्रतापगढ़ का जो आदिवासी क्षेत्र है उसके विकास के लिए अनूपपुरा नामक गांव में जाखम बांध बनाया गया। इस जाखम बांध से इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल दिया जाता है और इस जाखम बांध से 13 किलोमीटर दूर चलते हुए एक नागरिया नामक स्थान है जहां पर बांध बनाया गया है और इस बांध से नहरें निकालकर नहरी प्रणाली का विकास किया गया है। तो यह हमारी पहली परियोजना हो गई जाखम। अगली परियोजना हमारी सोन कमला अंबा परियोजना। जाखम के बाद हमारी दूसरी परियोजना आती है सोन कमला अंबा परियोजना। तो जैसे इसका नाम है सोन कमला अंबा, इसी में इसका पूरा विवरण है। यह सोन नदी पे है और कमला अंबा नामक गांव है, उस गांव में कमला अंबा नामक ही एक बांध बनाया गया है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, जो सोन कमला अंबा परियोजना है इसके नाम में इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी हमें देखने को मिलती है। सोन नदी के ऊपर स्थित है, कमला अंबा नामक गाँव है जिसके ऊपर कमला अंबा नामक ही बांध का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से डूंगरपुर के आसपुर तथा उदयपुर की सलुम्बर तहसीलें हैं। इन तहसीलों के जो गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र को जल देने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई। एक बार फिर से आप देख लीजिए, सोम कमला अंबा जो परियोजना है वह सोम नदी पे स्थित है, कमला अंबा नामक बांध इसके इस नदी पे कमला अंबा नामक गांव में ही बनाया गया है। इस परियोजना से डूंगरपुर के आसपुर तथा उदयपुर के सलुम्बर तहसील के जो गाँव है उन गाँवों को जल देने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई। तो इस प्रकार से हमारी दूसरी परियोजना हो गई सोन कमला अंबा परियोजना। अब हमारी तीसरी जो परियोजना है वह मेजा बांध। तीसरी परियोजना हमारी मेजा बांध भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील में मेजा नामक गांव है, वहां पर इस बांध का निर्माण किया गया है।
इस बांध का नाम भी क्या है, मेजा बांध है। मेजा बांध से मछली पालन और नहरी प्रणाली का विकास किया गया है। सबसे पहले तो कहां स्थित है, भीलवाड़ा जिले में, भीलवाड़ा जिले की तहसील है मांडलगढ़। इस मांडलगढ़ में मेजा नामक गांव है, मेजा नामक गांव है। इस गांव में मेजा नामक बांध बनाया गया है। एक बार फिर से देखिए, मेजा बांध भीलवाड़ा के मांडलगढ़ तहसील में मेजा गांव में स्थित है। इस मेजा बांध का निर्माण मछली पालन तथा नहरी प्रणाली का विकास करने के लिए किया गया है। तो इस मेजा बांध को बनाने का उद्देश्य क्या था, मत्स्य पालन करना व नहरी प्रणाली का विकास करना मेजा बांध का प्रमुख उद्देश्य था। इसके बाद आती है सिद्धमुख परियोजना। जो चौथी परियोजना है वह है हमारी सिद्धमुख परियोजना। सिद्धमुख परियोजना, सबसे पहले तो सिद्धमुख परियोजना क्यों बनाई गई, रावी तथा व्यास नदी, रावी और जो व्यास नदी थी, रावी और व्यास, इस नदी का जो अतिरिक्त जल था, इन नदियों का जो अतिरिक्त जल था, इस अतिरिक्त जल का उपयोग करने के लिए कौन सी योजना बनाई गई, सिद्धमुख परियोजना। अब इस परियोजना का लाभ किनको मिलता है, तो हनुमानगढ़ और गंगानगर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ की तहसीलें हैं नोहर बादरा तथा चूरू जिले के तहसीलें हैं तारानगर और राजगढ़। ध्यान दीजिएगा, सिद्धमुख परियोजना रावी तथा व्यास का जो अतिरिक्त जल था उस जल का उपयोग करने के लिए बनाई गई, और यह इस परियोजना का लाभ श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ की नोहर बादरा तहसील है और चूरू की दो तहसीलें तारानगर व राजगढ़, यह तहसीलें हैं। इन तहसीलों के लगभग 33,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सिंचित करने के लिए इस परियोजना का जल काम में लिया जाता है। तो एक बार फिर देखिए, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ की तहसीलें हैं नोहर और भादरा और चूरू की है तारानगर और राजगढ़। इन तहसीलों के लगभग 33,000 वर्ग किलोमीटर एरिया को या क्षेत्र को सिंचित करने के लिए इस सिद्धमुख परियोजना का जो जल है वह काम में लिया जाता है। तो यह हमारी चौथी परियोजना हो गई सिद्धमुख परियोजना, जो रावी व व्यास का अतिरिक्त जल है उसका उपयोग करने के लिए श्री गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू इन जिलों की नोहर बादरा और तारानगर और राजगढ़ तहसीलों को इसका जल सिंचाई के लिए देने में काम में लिया जाता है। तो हमारी चार परियोजनाएं हो गई हैं और पांचवी हमारी जो परियोजना है वह पांचवी परियोजना हमारी है नर्मदा परियोजना। पांचवी परियोजना हमारी नर्मदा परियोजना है। नर्मदा परियोजना पर सरदार सरोवर नामक बांध बनाया गया है। जो नर्मदा परियोजना है इस परियोजना के ऊपर सरदार सरोवर नामक बांध बनाया गया है। इस बांध का जल बाड़मेर व जालौर जिलों को पेयजल के लिए दिया जाता है। तो यह परियोजना, इस परियोजना पर सरदार सरोवर नामक बांध बनाया गया है और इस बांध का जल किस काम में लिया जाता है, बाड़मेर और जालौर जिले हैं, इनमें पेयजल की आपूर्ति इसी बांध से की जाती है। तो प्रश्न में हमें पूछ सकते हैं कि नर्मदा परियोजना का उद्देश्य क्या था, तो सरदार सरोवर नामक बांध से बाड़मेर व जालौर को पेयजल उपलब्ध कराना नर्मदा परियोजना का उद्देश्य था। नर्मदा परियोजना के ऊपर स्थित बांध कौन सा है, तो सरदार सरोवर नामक बांध इसके ऊपर बनाया गया है। तो यह हमारी नर्मदा परियोजना हो गई। एक बार फिर देख लीजिए, नर्मदा परियोजना पर स्थित है सरदार सरोवर बांध
इस बांध से बाड़मेर व जालौर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। अगली हमारी है जवाई बांध परियोजना। यह जो जवाई बांध परियोजना है जवाई नदी के ऊपर ही स्थित है और एरिनपुरा नामक स्थान के ऊपर, एरिनपुरा पाली में स्थित है, एरिनपुरा नामक स्थान पर, एरिनपुरा पाली में स्थित है, एरिनपुरा नामक स्थान पर जवाई नामक बांध बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, जवाई नदी के ऊपर स्थित है जवाई बांध परियोजना और एरिनपुरा नामक स्थान पर ही जवाई बांध का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से पाली व जालौर में सिंचाई की जाती है। पाली और जालौर जिले हैं। जवाई बांध से पाली और जालौर जिले हैं। इन दोनों जिलों को सिंचाई के लिए जल दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जवाई बांध परियोजना जवाई नदी पर स्थित है और जवाई बांध बनाया गया है इस पे एरिनपुरा पाली में। इस बांध से पाली व जालौर को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारी यह जवाई बांध परियोजना भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी अंतिम जो परियोजना है इस चैप्टर में वह पांचना बांध परियोजना है। पांचना बांध, सबसे पहले तो पांचना बांध करौली जिले में स्थित है और यह पांच नदियों के संगम, पांच नदियों के संगम पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, जो पांचना बांध है वह करौली में पांच नदियों का संगम होता है, उस संगम पर स्थित है और यह मिट्टी का बना हुआ है। यह मिट्टी का बना हुआ बांध है, मिट्टी का बना बांध है और यह पांच नदियों के संगम पर स्थित है। यह पांच नदियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए आप, जो पांच नदियों का संगम है वह पांच नदियां कौन कौन सी हैं? पहली है बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भद्रावती, बरखेड़ा, भद्रावती, माची और भैंसावत और एटा। यह पांच नदियां हैं बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावता और एटा। इन पांच नदियों के संगम पे स्थित है पांचना बांध जो मिट्टी का बना हुआ है। अब यह बांध क्यों बनाया गया? तो इस बांध से टोडा भीम, हिंडौन और गंगापुर, इन तीनों को सिंचाई के लिए जल दिया जाता है। कौन कौन से स्थान है? टोडा भीम, हिंडौन और गंगापुर, यह तीन स्थान है जिनको सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाया जा रहा है पांचना बांध से। ध्यान दीजिएगा, पांचना बांध पांच नदियों के संगम पर स्थित है जो करौली में स्थित है और यह मिट्टी का बना हुआ बांध है। ध्यान दीजिएगा, इससे तीन, टोडा भीम, हिंडौन और गंगापुर, इनको सिंचाई के लिए जल दिया जाता है। तो यह हमारी सात परियोजनाएं हमने देख ली। इनके अलावा राजस्थान में 40 छोटी छोटी, जिन्हें हम लघु परियोजनाएं भी बोल सकते हैं, लगभग 40 के लगभग है, जिनसे स्थानीय स्तर के ऊपर जल का प्रबंधन किया जा रहा है। तो हमारी जो राजस्थान से जुड़ी हुई जल परियोजनाएं थी वह कंप्लीट हो चुकी हैं। अब अगली कक्षा में हम राजस्थान में कुछ जल संरक्षण की विधियां हैं उनके बारे में जानेंगे, जैसे बावड़ी है, नहरें हैं, तालाब हैं, झीलें हैं और जोड़ हैं, ये जो पुराने समय से चली आ रही हैं उनके बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद।